नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 50 दिन में बनी सीएम डॉक्टर यादव की कोर टीम, भारत यादव बने सचिव। जानिए 5 आईएएस क्यों है सरकार के भरोसेमंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कोर टीम तैयार कर ली है। जिस तरह से मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी चेहरे शामिल किए हैं, वैसे ही कोर कमेटी भी बनाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में जिन 5 अफसरों की नियुक्ति की गई है, उनमें भरत यादव सबसे सीनियर है। वे 2008 बैच के आईएएस अधिकारी है और 7 जिलों में कलेक्टर रहे हैं। खास बात यह है कि इन 5 में से 2 आईएएस एएम के गृह जिले उज्जैन में पदस्थ रह चुके हैं, जबकि 1 उच्च शिक्षा विभाग में रहे हैं। जब डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम सचिवालय के पदस्थ अफसरों को वर्तमान विभागों की जिम्मेदारी से मुक्त करने के बजाय उन्हें विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनमें स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, सड़क विकास निगम, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री सचिवालय के 7 विभागों की भी जिम्मेदारी के मायने इन अफसरों को मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें ऐसे विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास पहले से थी, यानी इन अफसरों के पास दोहरी जिम्मेदारी रहेगी। अब ऐसे क्यों किया गया? तो जानकार कहते हैं कि इसके पीछे मंशा ये नजर आती है कि इन अफसरों का सचिवालय में परफॉर्मेंस देखा जाएगा। यदि ये वे मुख्यमंत्री सचिवालय में ठीक तरह से काम कर सके तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही जानकर ये मानते हैं कि इन अफसरों के पास स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, राजस्व और सड़क विकास निगम जैसे विभाग है। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हो कि इन विभागों की वह डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि सभी विभाग आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। शिवराज के कार्यकाल में पदस्थ 10 में से 3 अफसर हटे। शिवराज सरकार के कार्यकाल में 10 में से 3 अफसरों को हटाया जा चुका है, जबकि 2 उप सचिवों के नए सिरे से आदेश जारी कर फिर से मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण करने के 1 हफ्ते बाद ही प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को हटाकर राघवेंद्र सिंह की पोस्टिंग कर दी थी, लेकिन रस्तोगी को नई पदस्थापना के लिए करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ा। उन्हें 28 जनवरी को जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।